हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चलो मेरे सन। आप सब अच्छे होंगे। मैं आफ्टर टू इयर्स आउट ऑफ स्टेशन जाने का मौका मिल रहा है आफ्टर कोरोना एंड ऑल दैट थिंग्स, लॉकडाउन कोरोना सब। और 2 महीने से टिकट बनते और कैंसिल होकर के फाइनली आज जा रही हैं। और मैं खड़ी हूँ हावड़ा मुंबई मेल में और फुल ट्रेन जर्नी आप मेरे से इंजॉय करेंगे। मैं जैसे जैसे जाती जाऊँगी आपको भी घुसाती जाऊँगी। तो फ्रेंड्स, आप लोग भी देख लीजिए हावड़ा स्टेशन के नज़ारे। ट्रेन 7:50 पे रवाना होती है हावड़ा स्टेशन से, हावड़ा मुंबई मेल। हम लोगों ने अपना सामान रख दिया है और अब थोड़ी टाइम थी तो सोचा क्यों ना आपको स्टेशन भी दिखा दूं। हमारे लड्डू गोपाल भी हमारे संग जा रहे हैं जर्नी में, तो सबसे पहले आप लोग भी लड्डू गोपाल के दर्शन कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, खाना हम लोगों ने खा लिया है और अब हम कर रहे हैं सोने की तैयारी। आज सुबह से जर्नी की तैयारी करने में बहुत टायर्ड भी हो गए हैं हम लोग, तो अभी तो सो जाते हैं। कल सुबह से आपको हावड़ा मुंबई मेल की फुल जर्नी दिखाएंगे कल सुबह से, और स्टेशंस और जितना जो दिखा पाऊंगी बाहर की व्यूज और ट्रेन का मैं कल जरूर दिखाऊंगी आप लोगों को। तो फ्रेंड्स, अभी बजे हैं सुबह के 8:50 और ट्रेन एंटर कर रही है रायपुर स्टेशन पे। फ्रेंड्स, अभी मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ डोंगरगढ़ स्टेशन। ट्रेन डोंगरगढ़ स्टेशन पर आके रुकी है और स्टेशन के पास ही पहाड़ों पे माता का मंदिर है, उसी से ही रखा गया है। माता के मंदिर के नाम पे ही स्टेशन का नाम भी डोंगरगढ़ स्टेशन रखा गया है। तो अभी डोंगरगढ़ स्टेशन से ट्रेन छूट चुकी है और मैं दिखाने की कोशिश करती हूँ आपको। साइड में पहाड़ दिखेंगे, उसी पे ही माता का मंदिर है। होप आप लोग को दिख पाए थोड़ा यहाँ से। तो फ्रेंड्स, अभी ट्रेन पहुंच चुकी है नागपुर स्टेशन। यहाँ के संतरे बहुत फेमस होते हैं और नागपुर की संतरे की बर्फ़ी भी बहुत ही फेमस है। हम लोगों ने एक दो बार ऑन द वे ली हुई है, बहुत ही टेस्टी होती है यहाँ की संतरे की बर्फ़ी। Thank you.
पास तो काउंटर फोन दो सर। गर्मी हो लगी मौसम में। चलो फ्रेंड्स, ट्रेन पहुंच चुकी है वर्धा स्टेशन। फ्रेंड्स, वर्धा स्टेशन बहुत ही ब्यूटीफुल है। इतने सारे ट्रीज लगे हुए हैं बोगनवेला के, तो फ्लावर्स के कारण बहुत ही सुंदर लग रहा है स्टेशन। अर्ली मॉर्निंग 4 बजे हम लोग पहुँच गए हैं दादर, और स्टेशन से बाहर निकल के आ गए हैं हम लोग।